हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दांत खात खुजली को जड़ से मिटाने के ऐसे असरदार नुस्खे बताएंगे जिससे आपकी दांत खाज खुजली बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। यदि आपको दांत खाज खुजली है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें ऐसे नुस्खे बताएंगे जो आपकी पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपकी स्किन से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, दांत खाज खुजली स्किन की समस्या है। इस प्रॉब्लम में त्वचा पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। अधिक खारिश होने से इस जगह पर लाल निशान और जलन होने लगती है। दांत की समस्या धीरे धीरे फैलती रहती है। ज़्यादातर यह समस्या पैरों, गले, हाथों, चेहरे और प्राइवेट पार्ट्स पर होती है, जिसे अधिकतर लोग शर्मिंदगी के कारण छिपाकर इसका इलाज नहीं करवाते। डॉक्टर के पास जाने के बजाय मार्केट में मिलने वाली एंटी फंगल क्रीम या अन्य कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ायदा देने के बजाय समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर आप डॉक्टर को इस समस्या को बताने से झिझक रहे हैं, तो आज हम कुछ घरेलू तरीके बता रहे हैं जिससे आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं खुजली के लक्षण कौन कौन से होते हैं, या खुजली के त्वचा पर लाल रंग के निशान, छोटे छोटे दाने निकलना, जलन और ज़्यादा खारिश होना, खुजली के कारण रूखी त्वचा होना, त्वचा पर धूल मिट्टी पड़ना, मौसम में बदलाव, स्किन इन्फेक्शन, ज़्यादा समय तक गीला रहना, किसी क्रीम या मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट, ये खुजली के कारण थे। अब आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वह है खीरे का रस। खीरे के रस से खाज वाली स्किन पर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी दांत खाज खुजली भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दूसरी चीज़, टमाटर का जूस। अगर खुजली आपको बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिससे आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो एक हफ्ता रोज़ सुबह सुबह टमाटर का जूस पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी खुजली धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें, फिर इस पानी से आप नहा लें। इससे शरीर के कीटाणु दूर होंगे और दांत की खुजली से आपको आराम मिलेगा। आप देसी नीम की पत्तियां ही लीजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपको यदि आज की जानकारी पसंद आए तो इसको आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें रोज़ नई नई वीडियोस लेके आते हैं। धन्यवाद।